हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो विंडोज सर्वर 2019 VDI है उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से बेसिक सेटिंग भी बताऊँगा जो सर्वर 2019 के लिए ज़रूरी होते हैं, और जो वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप जो 2019 है VDI है उसको प्रॉपर एक्सेस और उस पर प्रॉपर इंटरनेट और अदर एक्टिविटी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको क्या करना है, जो आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके रखा है आपके, उसको आपको लॉन्च करना है। ठीक है, अगर आपको ये वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं ये जानना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस के अंदर, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ये मशीन दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो न्यू बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर जो मशीन का नेम आपको सेट करना है, जैसे मैं इसका 1 2 3 4 सर्वर 2019, ठीक है, सर्वर 2019 आपको यहाँ पर नेम देना है उसका, या आप अपनी इच्छा से कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे 64 बिट है तो 64 बिट में यहाँ पर लिख देते हो, हमारे याद रहे कि हम लोगों का जो ये सर्वर 2019 है ये 64 बिट है और यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, VDI को। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मशीन फोल्डर है इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आपका मशीन फोल्डर है यहाँ आप उसको पाथ सेट कर सकते हो जहाँ पर आपको स्टोरेज के अंदर चाहिए। अगर आपको सी ड्राइव से अलग किसी ड्राइव के अंदर रखना है तो आपको यहाँ अदर पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्या किया, ये अभी जो मेरा एफ ड्राइव है इसके अंदर मैंने एक VDI नाम से एक फोल्डर बना के रखा है और इसके अंदर मैंने इसको एक फोल्डर बना लिया है VDI के अंदर। ठीक है, तो आपको भी सेम किसी भी ड्राइव के अंदर जहाँ पर आपको स्पेस ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर जाकर आप ऐसा कोई फोल्डर बनाकर वहाँ आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, जो भी मैं मशीन का जितने भी स्नैप जो काम कर रहे हैं जो भी स्नैप आपको लेने हैं यहाँ पर आपको स्टोर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा सी ड्राइव का वो स्पेस नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ही रखना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको विंडोज 7 की जगह आपको सर्वर 2019 सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वर्जन के नीचे ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर सर्वर 2019 मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो रैम है उस मशीन के लिए आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर 12 GB है तो मैं यहां पर उसको कुछ 3 GB के अराउंड दे देता हूं। ओके, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम करोगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा वो, और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यू जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये वाला आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको जो ये फोल्डर टाइप आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऐड बटन पर आपको क्लिक करना है। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपका VDI है, जैसे मेरा एफ ड्राइव के अंदर मैंने VDI रख रखा है, वो इस फोल्डर के अंदर ये पूरा पाथ है एफ ड्राइव के अंदर, डी VDI फोल्डर है उसके अंदर एक अलग दूसरा फोल्डर है, सब फोल्डर है इसका, यहाँ पर मैंने इसको रखा है। जहाँ पर भी आपने VDI रखा है वहाँ पर उसका पास दे दीजिए आप। जैसे VDI पर क्लिक किया इस पर तो यहाँ पर आ जाएगा वो नीचे की तरफ, और उसको ओपन कर दीजिए। VDI सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर दीजिए। जैसे मैंने ये VDI सेलेक्ट किया है यहाँ पर वो ऐड हो गया। यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है आपको जो आपने अभी ऐड किया है, और उसको चूज बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रिएट बोलेंगे, क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपका जो VDI आपने इंपोर्ट किया है ऐड किया है यहाँ पर आपको उसका स्टेटस दिखने लग जाएगा, यहाँ पर उसका
एंट्री ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये इस पैनल के नीचे, टूल पैनल के नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेटिंग्स पर जाना, जो आपको इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जनरल से टैब पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर एडवांस में जाना है आपको, और यहाँ पर इसको एज इट इज रहने दीजिए, या फिर आप कोई अदर लोकेशन भी यहाँ से अदर करके यहाँ पर सेट कर सकते हो, जो आपका जो आप चाहते हो वही लोकेशन सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर शेयर्ड क्लिपबोर्ड को, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर भी ये है, ये सेम यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इन ऑप्शन में कुछ करना नहीं है, सिस्टम पर जाना है, सिस्टम टैब पर, यहाँ पर आप अभी भी कम ज़्यादा रैम कर सकते हो, ओके। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले पर भी कुछ नहीं करना है आपको, स्टोरेज के अंदर कुछ नहीं करना है, ऑडियो के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको जो नेटवर्क अडेप्टर है ऐड करने के लिए बोलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रिज अडेप्टर सेलेक्ट कर लेना है, अटैच टू के अंदर ब्रिज अडेप्टर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स नेम के अंदर आपको जितने भी आपका अडेप्टर है, जो वाईफाई है या फिर लैन है, यहाँ पर आपको वो दिखने लग जाएंगे, जिस पर आपका भी नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी मेरा वायरलेस से है तो मैं वायरलेस वाला ही सिलेक्ट कर लूंगा इधर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिनाई जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर अलाउ ऑल करना है, ठीक है, अलाउ ऑल कर देना है इसको, और यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है वो चेक रहने देना है। उसके बाद आपको सीरियल पोर्ट के अंदर कुछ नहीं करना है, यूएसबी नहीं करना है, अगर यूएसबी ऐड करना तो यहाँ कर सकते हो, कैसे ऐड करना है मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो डाल कर रखा है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। शेयर फोल्डर यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको शेयर फोल्डर के अंदर आप कर सकते हो, यहाँ पर जो ये प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप कोई भी जो ड्राइव को आपने एक्सेस करना है, मतलब जो ड्राइव का डेटा आपको एक्सेस करना है, वो ड्राइव इधर से सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटो माउंट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको वो एक्सेस कर पाओगे जब आप इसको लॉगिन कर लोगे मशीन को, सर्वर 2019 को, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, ये अभी स्टार्ट हो रहा है, सर्वर 2019 है जो हम लोगों ने अभी इम्पोर्ट किया है, ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, इसको मैं अनचेक कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कीबोर्ड है वहां से आप कंट्रोल और डिलीट बटन प्रेस करना है एक साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल रहा है आपको उसका लॉगिन डालना है, यहाँ पर आपको जैसे राम टेक्निकल दिख रहा है हेल्प, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ओनली एडमिनिस्ट्रेटर ही दिखेगा आपके इधर, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी DNS, DHCP और सब कॉन्फ़िगर करके रखा है, एक्टिव डायरेक्टरी सब कॉन्फ़िगर करके रखा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है मेरे इधर, आपके इधर ये एडमिनिस्ट्रेटर दिखाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो वीडियो में आपने पासवर्ड सेट किया था, यहाँ पर आपको वो डाल देना है, जब आपने कोई वीडियो क्रिएट किया था तो वहाँ पर आपने एक पासवर्ड भी सेट किया होगा, यहाँ पर उसको डालकर लॉगिन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे जब आपने लॉगिन कर लिया है इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर, वीडियो के अंदर 2019 सर्वर के अंदर, तो यहाँ पर आपका डेस्कटॉप दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो इसको एक बार चेक कर लेंगे, विंडोज आर सी डॉट सी, ये आपका ऊपर हो जाएगा इंटरनेट जो इंटरनेट का है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, एक बार चेक कर लेना है कोई आईपी वगैरह तो नहीं दिया आपने जब आपने वीडियो क्रिएट किया था उस टाइम, और अभी इंपोर्ट किया था इंटरनेट नहीं चल रहा, तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आईपी वर्जन 4 पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज यहाँ पर कुछ आईपी दिया हुआ है तो मैं इसको अभी ऑटोमेटिक पर कर देता हूँ, अगर आपका स्टैटिक है तो यहाँ पर स्टैटिक डाल लीजिए, नहीं तो ओके कर दीजिए इसको, तो क्या होगा जो आपका इंटरनेट है यहाँ पर जो अभी आ रहा था वो चलने लग जाएगा, ओके। इसके बाद आपको इसको बंद कर देना है, और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, डिवाइस जो आपको ये टैब दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है,
इसके बाद इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज पर क्लिक कर उसके बाद आपको एक बार एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप जब दिस पीसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो आपका डीवीडी राइटर है यहाँ पर आपको कुछ अलग सा साइन दिखेगा जो वर्चुअल बॉक्स का है, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है और इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये डायलॉग ओपन हो जाए, पर आपको बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है आपको और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिबूट नाउ, जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो रिबूट नाउ ऑप्शन दिखेगा, चेकबॉक्स दिखेगा, आप यहाँ रुक कर लीजिए एक बार, इसको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना आपको, ये अभी हो जाएगा वो। तो फ्रेंड्स इधर आप देखोगे तो जो आपका सर्वर 2019 का VDI है वो प्रॉपर इम्पोर्ट हो गया आपके वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप वर्चुअल बॉक्स को प्रॉपर VDI इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको अगर ये फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पर आपको व्यूज के अंदर जाके यहाँ पर स्केल मोड कर देना है और यहाँ पर ऐसा आपको फुल स्क्रीन दिखने लग जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको VDI कैसे इम्पोर्ट करना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर 2019, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच।